संस्कृति भ्रमण के लिए। हाँ जी हाँ, जगदलपुर शहर में आज हमारा एक भ्रमण होने वाला है। मेरी ऑल्टो 800 कार में आज मैं और मेरा प्यारा दोस्त पिंकू परमात्मा घूमने निकले हैं शहर का मुआयना करने की क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर लॉकडाउन। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर, सो वी हैव जस्ट गोइंग एंड सी वॉचिंग देम व्हाट आर द नेसेसरी चेंजेस हैव बीन डन इन जगदलपुर एरिया विद इन रिसेंटली। Recently, after 2 days of heavy rain, there are lots of flood come inside the Dharampura and Kondawal farming area. So we are just going and watching them how many crops have been fallen down, destroyed on. आज मेरी गाड़ी Alto 800 के टायर का प्रेशर थोड़ा सा डाउन लग रहा है और हम जा रहे हैं। हम भी चलने लगी हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ मिलो चले पे। देखिए भीषण गड्ढा, मुझे लगता है कि मेरे गाड़ी का डैश टकराने वाला है। मेरे राइट हैंड साइड पर 2 गाड़ियाँ कंसेक्यूटिवली वेट कर रही है मेरे उतरने का। देखिए यहाँ पे फलों और सब्जियों की दुकानें लगी हुई हैं। आगे चलते चलते हम आपको ले चलेंगे जगदलपुर के कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको बहुत सारी सब्जी और फलों की दुकानें मिलेंगी। और ये अच्छी बात होती है कि संजय मार्केट के पूरे दुकानों को अब कुछ जोन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे लालबाग एरिया में सब्जी और फल की दुकानें हैं, वैसे साईं मंदिर के पास सब्जी और फलों की दुकानें हैं। उसके अलावा धर्मपुरा एरिया में कांग्रेस भवन के आसपास में भी आपको सब्जी और फलों की दुकानें मिलेंगी। और हम जा रहे हैं। देखिए रास्ते में ट्रैफिक का भी कुछ ज़्यादा ही लोड दिख रहा है, लगता है आज पूरी पब्लिक बरसात के बाद निकली है घर से। बहुत नियर है, मुझे सर्विसिंग कराने हैं, लेकिन मेरी गाड़ी का भी जो माइलेज है वो 39,262 किलोमीटर्स है। जी हाँ, देखिए इसमें फ्यूल इंडिकेटर भी 2 स्टिक्स में दिखा रहा है, मतलब अभी मेरे गाड़ी में लगभग 20 लीटर तेल है, जिससे मैं आराम से 20 लीटर में जाके आसपास के एरिया घूम के आ सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने फ्यूल को बचाना है क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगे हो चुके हैं और मेरे पास इनकम का है एकमात्र सोर्स है शेयर मार्केट, जिसमें आज मुझे नुकसान हो रहा है। कार धुला लो 300 में। जी हाँ, ये वही दुकान है। और अब हम आ चले हैं अनुपमा टॉकीज के पास, एक चौक है जहाँ पे हमेशा लोगों का आना जाना रहता है। काफ़ी पॉश एरिया है, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है क्योंकि यहीं से आपको सब्जियों की दुकानें दिखनी चालू हो जाएंगी। जी हाँ, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ताज़ा सब्जियों की दुकान दिख रही है। यहाँ पे आप भवानी इडली डोसा वाले को भी देख सकते हैं, ये वही इडली डोसा वाला है जहाँ हम अक्सर डोसा और गुपचुप का न्याया करते थे, लेकिन कोरोना 19 के कारण हमने खाना बंद कर दिया है। और इसी बीच एक ट्रैफिक जाम से हमारा सामना होता हुआ, देखिए दोस्तों कितनी ट्रैफिक जाम हो गई है। कोई लेफ्ट जाना चाहता है, कोई राइट जाना चाहता है, कोई सीधा जाना चाहता है। ट्रैफिक में, लाइफ में, ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी में रूल्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो रूल्स फॉलो नहीं करता वो कहीं का नहीं रहता। जी हाँ, ट्रैफिक में रूल्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ पाता। और इसी में देखिए आपको ताज़ा सब्जियों की मार्केट से हम आपको परिचय कराते हैं। देखिए आपको हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारी सब्जियाँ और फलों की दुकानें लगी हुई हैं। जी हाँ, ये वही एरिया है जहाँ पे अक्सर गाँव वाले आकर सब्जियाँ भेजा करते हैं। लोगों की भीड़ भी लगी हुई है सब्जियाँ फलों को खरीदने में। देखिए हम आपको बहुत ही स्लो वॉक करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे सब्जियों की दुकानें हैं, साथ में फूल और माला की भी दुकान है। अगर आप कोई फेस्टिवल सीजन में माला खरीदना चाहते हैं तो पास आ जाइएगा, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है।
और देखिए हमारे लेफ्ट साइड में बहुत सारी सब्जियों की दिखाते हैं। अब हम रिटर्न होंगे तो आपको राइट साइड से सब्जियों की दुकानें दिखाएंगे। देखिए भुट्टे का सीजन है दोस्तों, अगर आपको भुट्टा खाना है तो जगदलपुर से ऐसा भुट्टा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 20 रुपये में 5 भुट्टे मिल रहे हैं, लेकिन भुट्टे को आपको छाटना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये लोग हमको पोपड़ बना देते हैं, अच्छा भुट्टा बोल के सड़ा वाला भुट्टा दे देते हैं जिसके अंदर से बीज नहीं सिर्फ छिलके निकलते हैं। क्योंकि इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मैंने पिछले हफ्ते हरित अलिका तीज पूजा के लिए 40 रुपये का भुट्टा खरीदा था जिसमें करेक्ट 10 रुपये का भुट्टा मेरा ख़राब निकला था जिसमें बीज के नाम पर सिर्फ मुझे छिलके मिले थे। और इसी बीच ब्लैक सूट में जाती हुई एक लेडी बहुत सुंदर सी लड़की है, फोन में बात करती हुई जा रही है, इन्होंने मास्क पहना हुआ है। जी हाँ, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कोरोना संक्रमण से बचना है तो मास्क का डेली पालन करें, पहना करें। और इसी बीच हमारे बस्तर की सब्जी से हम आपको अवगत कराते हैं, बास्ता जिसे छत्तीसगढ़ी में करील भी कहते हैं। करील मतलब ये एक प्रकार का नया बांस का कटिंग होता है जिसको काट के बेचा जाता है, 20 रुपये का सेट दिया जाता है। जगदलपुर के मार्केट में भरमार है बास्ते की। अगर आप खाना चाहते हैं तो सीधे हमारे संजय मार्केट में संपर्क करें, हमसे संपर्क ना करें क्योंकि हम आपको हम पहुंचाने की सेवा प्रदान नहीं करते, हमारे पास संसाधन की कमी है। और हमारा आज वर्कर, हमारा जो अंडर में वर्क करता है संदीप शर्मा उर्फ, उसका निकनेम क्या है, सोना संदीप शर्मा उर्फ सोना, वो अपने साइबर कैफे शर्मा साइबर कैफे में है। वो हमारा बंधुआ मजदूर है। अगर आपको बास्ता खाना है तो हमारे बंधुआ मजदूर संदीप शर्मा से संपर्क करें क्योंकि हमारा बंधुआ मजदूर घर पहुंच सेवा प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी को लेके जाना है, किसी को छोड़ना है, किसी के गाड़ी में तेल नहीं है, किसी के पास पैसे की कमी है, तो सब गरीबों का मसीहा एक ही भैया है, संदीप भैया जिसको आजकल मिर्ज़ापुर का भूत सवार है। वो आजकल गुड्डू भैया बन के घूम रहे हैं और उनके जनूने काट रहे हैं। हमने उनको कहा पढ़ाई लिखाई करो, IAS YS बनो, लेकिन नहीं, उनको तो जनूने काट रहे थे। और वो MA इंग्लिश करने के बाद MA इकोनॉमिक्स किया और MA इकोनॉमिक्स करने के बाद अभी शर्मा साइबर कैफे के नाम से एक संस्था चला रहे हैं, ऑन फर्म चला रहे हैं। जी हाँ, ये उन्हीं का खुद का दुकान का नाम है जहाँ पे वो साइबर कैफे का काम करते हैं, साथ में ऑनलाइन फॉर्म भी भरते हैं। कुछ दिन पहले उनको ट्रेडिंग का भी शौक था, लेकिन जैसे ही उनके शेयर मार्केट से भूत उतर गया और आज वो मार्केट में ही है। जी हाँ, फोटोकॉपी और प्रिंटआउट निकाल के बेच रहे हैं। आगे का हाल सुनाने के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे दोस्त जयंत बिसाई की दुकान पे, जहाँ हम SSD कार्ड खरीदे, पेंट चल रहा है। आगे है क्या पिक्चर, वहाँ घुसा दो ना आगे। वेलकम बैक दोस्तों, अब हम आ चुके हैं संजय मार्केट चौक में। जी हाँ, ये वही संजय मार्केट चौक है जिसे कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे कोरोना के कुछ पेशेंट मिले थे, लेकिन अब ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़। जी हाँ, ये लोगों की भीड़ सिर्फ सब्जी खरीदने के लिए नहीं है, लफड़बाजी करने और घूमने वालों की भी है जो दिन भर मगजमारी करते हुए घूमते रहते हैं, छिड़ी मारी करते हैं, ये उनकी भीड़ है।
जिसमें से हम भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपने काम के साथ साथ चिड़ी बारी भी करते हुए निकलते हैं। इसी बीच हम आ चुके हैं अब अग्रसेन चौक के पास। देखिए यहाँ पे रेड सिग्नल है, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। और हमने भी अच्छा खासा सिग्नल को तोड़ते हुए 20 के स्पीड में गाड़ी को निकाला, 20 इंडिकेटर। और अब हम आ चुके हैं कांग्रेस भवन के पास। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारे लेफ्ट साइड का व्यू, जहाँ पर आपको सब्जियों और फलों की दुकानें मिलनी चालू हो जाएगी। इसी बीच हमने गाड़ी की स्पीड स्लो करनी है क्योंकि सामने से कुछ और गाड़ी आती हुई, और हमने इसलिए भी स्लो किया है ताकि आपको और अच्छा व्यू मिले। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हमेशा बनती रहती है क्योंकि यहाँ के लोगों को अपने आगे जाने की जोन में चलने की आदत नहीं है, पता नहीं क्यों सबको आगे बढ़ना है लेकिन कोई ट्रैफिक का रूल को फॉलो नहीं करना चाहता है। सब अपना लेन छोड़ के दूसरे के लेन में घुस जाते हैं, तो दूसरे का लेन वाला किसके तरफ घुसे ये समझ में नहीं आता है। मैं अपना लेन छोड़ के दूसरे की लेन में जा रहा हूँ, वो लेन छोड़ के तीसरे की लेन में जा रहा है, तो बंदा किधर से जाएगा? तो इसी सिचुएशन में ट्रैफिक जाम होता है। और एक बीच में हमारे सामने एक हुंडई की गाड़ी आती हुई जिसने अच्छा खासा रूल को तोड़ा है। और देखिए फिर यहाँ पे हम जाम में फंस गए। बाइक को कैसा देखिए, उस बाइक चालक को देखिए, किस लेन को उसने तोड़ते हुए निकला है। ऐसे बदतमीज लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि पुलिस उनके कमर के नीचे के हिप्स एरिया को अच्छे से तेल से मालिश करे और उनको पाठ पढ़ाए ट्रैफिक के रूल का। इसी बीच हमारे सामने से एक वृद्ध महिला जाती हुई जिन्होंने ट्रैफिक का बखूबी से पालन किया है, बट हमारे सामने जो दो गाड़ियाँ चल रही हैं, डर हमें इस बात का है कि हमसे कोई ठुक ना जाए क्योंकि इसी बीच कुछ और लोग भी आ गए हैं उनके बीच बचाव करने के लिए।